आज जैसे मार्केट खुलने वाला था, हर किसी का फोकस यही था कि निफ्टी की ओपनिंग कैसे होगी, क्योंकि अमेरिकन बाजार ने 700 पॉइंट की तेजी दिखाई थी, तो गैप अप तो होने ही वाला था, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही था। 95% तो हम लोग ऐसा बोल ही सकते हैं, और अच्छा ही हम लोग को गैप अप होते हुए दिखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही शानदार शुरुआत देखने को मिली, उसके बाद मार्केट ने और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, बट जाते जाते हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस बाजार का क्या हो गया, डल हो गया, मतलब धीमे धीमे नीचे गया, एंड आखिरी क्षण के ऊपर तो थोड़ा सा और हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला। सो ओवरऑल जो तेज़ी पहले बनी हुई थी थोड़ी सी हम लोग को कमज़ोर होती हुई देखने को मिली, मतलब हम कह सकते हैं कि लिटरली जो निफ्टी था वो 18,640 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला, एंड फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि 600 के नीचे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम कह सकते अभी जो लोग ये सवाल पूछते ही है कि सर आखिरी क्षण पे ऐसा क्या हो गया करके, तो दोस्तों ऐसा चलता रहता है, ट्रेडिंग है ना, मार्केट में क्या है, प्लस माइनस चलता रहता है। अमेरिकन बाजार का फ्यूचर पहले थोड़ा अच्छा कर रहा था ड्यूरिंग द मार्केट, देन धीमे धीमे करके थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, तो इट एकदम नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये चीज़ें हमेशा ऐसी चलती रहती है, कल भी शायद से ऐसा हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो इतना कुछ ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत इस चीज़ को नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें अगर कोई चीज़ को सीरियस लेना है तो दोस्तों वो है क्रूड। यस, क्रूड से रिलेटेड कल लेट नाइट मैंने आप लोगों को खबर बता दी थी कि अगर हम लोग ओपेक प्लस की बात करें, सऊदी की बात करें, तो मतलब कह सकते कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बस कुछ ना कुछ बीच में बोलते हैं ना गड़बड़ करने की रीज़न कुछ ना कुछ मिल जाता है, वैसा ही कुछ हो गया कि और 10 लाख बैरल प्रतिदिन वो क्या करेंगे, क्रूड का प्रोडक्शन कट करेंगे। जुलाई ऑनवर्ड से हम लोग को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, तो और क्या हो गया, इसके चलते क्रूड और हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला, मतलब कुछ ही दिन पहले क्रूड 70 के आसपास था, एंड कुछ ही दिन में आप देख सकते हो मतलब 78 के आसपास हम लोग को आते हुए देखने को मिला, आज के दिन भी लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो पिछले कई दिन की अगर हम लोग बात करें क्रूड में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, पहले तो अमेरिका का डिफॉल्ट टल गया तो इसके बाद क्रूड भागा, एंड उसके बाद ये ओपेक प्लस की सरप्राइजिंग वाली खबर आ गई, तो इस चीज़ के चलते भी क्रूड में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि देखा गया तो इंडिया के ऊपर इसका जो फर्क पड़ेगा वो जब तक 100 के ऊपर हम लोग नहीं जाते तब तक आरबीआई का ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जैसे 105-106 अगर पार कर जाता है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, बट यस इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो बाजार का कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, इतना नहीं कि सब कुछ ही तहस तहस हो जाए करके, ये चीज़ें चलती रहती है। देन बात करेंगे दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस आज के दिन 3% गिरते हुए देखने को मिला है, और इसके पीछे का रीज़न है ब्रोकरेजेस, अलग अलग ब्रोकर्स अपनी अपनी राय देते हैं, तो वैसे सीटी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ खास इन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड अच्छा बात यहाँ पे नहीं किया, अच्छा बात नहीं किया मतलब ये नहीं बोला कि फ्रॉड है करके, तो यही जो टारगेट रहते हैं कुछ खास टारगेट नहीं देते हैं, ओके परफॉर्मेंस बोल देते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि सिटी बैंक के बोलने के चलते हम लोग को यहाँ पे लगभग 3% के आसपास ये गिरावट देखने को मिली है। अभी थोड़ा सा इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते ही है, सर ये ब्रोकरेजेस विकरेजेस अलग अलग रिपोर्ट निकालते हैं राइट, तो क्या इसका वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है, फ़र्क पड़ना मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, कौन है, मिस्टर ए है, उसका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मान लीजिए कि कितना है, 1,000 रुपया लगा हुआ है, 1,000 रुपया। अभी उसके फ़र्क मतलब वो बोलता है कि ये जो सिटी की रिपोर्ट है वो मुझे सही लगती है कि हाँ ये गिरना चाहिए करके, एंड इसीलिए मैं यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेचना चाहूँगा, सिर्फ 1,000 रुपये के शेयर है उसके पास, बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बट मान लीजिए कल इसी मिस्टर ए के पास मान लीजिए 1,000 करोड़ होंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा कि वो क्या सोचता है करके। तो वैसे ही है दोस्तों कि आपसे आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके पास क्या होता है दोस्तों, लोगों का बहुत सारा पैसा होता है, सो उनको क्या लगता है उस रिपोर्ट के प्रति, वो मैटर करता है दोस्तों, राइट। जैसे कि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को लगा होगा कि हाँ ये सिटी के रिपोर्ट में दम है क्योंकि वो रीजंस देते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली बिकवाली करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये रिजल्ट फिर गिरावट में यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो बात है कि आपको शायद से लगे कि अरे ये तो वाहियात रिपोर्ट है, मुझे लगे वाहियात रिपोर्ट है, बट हर किसी को नहीं लगता है ना, तो एंड जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे वो क्या सोचता है उससे वो मैटर करता है। अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर है वो कहता है कि अरे ये रिपोर्ट तो बकवास है, तो फिर शेयर में ज़्यादा गिरावट होती नहीं क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को होल्ड ही करेगा। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे कि टाटा लेक्सी के ऊपर भी रिपोर्ट आया था कि 50%
परसेंट गिर सकता है करके, एंड वैसे देखा गया तो अच्छी खासी खास गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिले। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इन रिपोर्ट को सीरियसली माना एंड एक्शन भी लिया कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। जो ये ब्रोकरेजेस बता रहे वो अपनी भी रिसर्च टीम लगाते उसके पीछे, एंड इसी चीज़ के चलते तो स्टॉक नीचे आ जाता है। वही चीज़ KPIT में फ्लॉप होते हुए देखने को मिली। KPIT में बोला गया कि ये 540 तक आ जाएगा करके, बट खास इतना कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिला, वापस स्टॉक ऊपर भाग गया। तो डिपेंड करता है दोस्तों, जिसके पास बड़े शेयर्स होते हैं वो क्या सोचता है उस हिसाब से उस स्टॉक का डायरेक्शन तय होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में संभल कर जाओ, क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर कोई होगा बहुत बड़ा प्लेयर, मान लीजिए उसके पास अगर 500 करोड़ के शेयर्स हो गए, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोलना चाहूंगा, एंड अगर उसको लगता है कि अरे ये रिपोर्ट तो सीरियस है निकल जाना चाहिए, तो वो पूरे स्टॉक को क्रैश करवा सकता है। तो यही दिक्कतें होती है दोस्तों छोटे स्टॉक में हम लोग जाते हैं तब, बट बड़े कंपनीज में जाओगे बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, कुछ भी रिपोर्ट निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, राइट? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। बीच में एक रिपोर्ट आई थी जेफरीज ने निकाली थी, पुरानी रिपोर्ट है 2-3 साल पहले, कि रिलायंस 800 तक गिरेगा करके, राइट? तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बट यही रिपोर्ट अगर वो छोटे कंपनीज में निकालते एंड अगर किसी बड़े प्लेयर के पास अगर बड़ा क्वांटिटी होगा एंड अगर वो एग्जिट कर लेता तो फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम लिया इसको सिखाने के लिए कि क्या ये रिपोर्ट्स निकालते हैं ब्रोकरेजेस, इससे फर्क पड़ता है। तो जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है वो डिसाइड करता है, उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अभी थोड़े बाकी स्टॉक्स को फटाफट कवर कर लेते हैं। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सो 18% की दमदार तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वीडियो में, आप सभी लोगों को पता है, कल परसों ही मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। ये देखिए 2 दिन पहले की बात है, लगभग 60,000 के पास पास लोगों ने वीडियो को ये देखा था। 32,000 करोड़ के आसपास हम लोग को मतलब एक मेगा डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट? आप इस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया था और ये भी बताया था कि डिफेंस कंपनी को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा फायदा माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ले सकता है, क्योंकि इंडियन नेवी 3 सबमरीन्स बनाने से रिलेटेड यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, और किसको मिलेगा ये ऑर्डर? माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। सो इसी से रिलेटेड ये खबर थी। आप लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया, इस वीडियो को देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं। तो इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए डिफेंस स्टॉक एकदम फॉर्म में यहाँ पे चल रहे हैं, राइट? एंड चलेंगे ही, क्योंकि अभी अभी इनको ऑर्डर्स यहाँ पे ऐसे मिलने वाले हैं। 3 सबमरीन से भी कुछ नहीं होने वाला है, इनको और बढ़ाना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली एक एक सबमरीन 10-10, 10.5-10 हज़ार करोड़ की होती है, धीमे धीमे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरा 100 के 100 सबमरीन बना दो करके, राइट? देन अगर हम लोग बात करेंगे जेनटेक, ये भी कमाल का, ये सारे डिफेंस से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ड्रोन में भी ये कंपनी आने वाली है। 6-6% आप हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बोलते हैं ना कि मोमेंटम एकदम जबरदस्त पॉजिटिव बना है, इसमें हम लोग को सिर्फ सवार रहना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तेजी आती है ना दोस्तों, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि स्टॉक इतने तेज बन जाते हैं, राइट? तो ये चीज़ होती है। बिजनेस जिसको समझ में आ गया ना, वो शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर बहुत अच्छा पैसा छाप सकता है, ठीक है? सो यही सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होती है। देन टालब्रोस की बात करें, आज जितने भी हमारे जो छोटे मोटे स्टॉक्स थे ना, सबने मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। सो टालब्रोस भी देख सकते हैं 9-9, 10-10%, बीच में तो ये बहुत ही 13-14% गया था, देन थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री की होगी, क्योंकि ऊपर से ये एक नैनो कैप है, नैनो कैप आपको पता ही है, किसी ने वॉल्यूम आप चेक कर लेना, कोई ना कोई बड़ा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिल ही गया होगा। इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को मिली। प्लस आपको जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था किधर गया, वो चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला हाल ही में ही बताया था कि ये लेवल जैसे तोड़ देगा, उसी के करीब था, तो और एक्स्ट्रा इसको मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। और वैसी कुछ चीज़ हम लोग को देखने को मिली, वॉल्यूम भी बढ़ गए, एक लेवल भी तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, मतलब ऑल टाइम हाई पे अभी हम लोग को स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है। देन एडिबल ऑयल की अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड एक नेगेटिव खबर देखने को मिली थी कि सरकार ने ऑर्डर दे दिए है कि जो खाने का तेल होता है उसका जो प्राइस है वो 8-12 रुपये तक कम करना है यहाँ पे लीटर के हिसाब से। तो पतंजलि फूड्स को थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अदानी विलमार के ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा तबाही हो जाएंगे करके, बट यस ये चीज़ें चलती रहती है। फिर वापस इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस के दाम मतलब ऑयल के दाम अगर ऊपर नीचे अगर हो जाते तो वापस ये अपने प्राइस भी यहाँ पे चाहे तो बढ़ा सकते हैं। बट फिलहाल की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में जो खाने का ऑयल है, ठीक है, एडेबल ऑयल, उसका प्राइस हम लोग को घटते हुए देखने को मिला है। तो इसका फ़ायदा अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंचा है। एंड ये इस चीज़ को चलते होता क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिए कि प्राइस कम करना है, तो थोड़ा सा इनके रेवेन्यू के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। देन दोस्तों BCG, चलिए इतने सारे ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज नहीं तो कल तो पंप डंप यहाँ पे होने ही वाला था, तो आज का दिन यहाँ पे मुहूर्त निकाल लिया। यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े क्वांटिटीज़ में माल यहाँ पे बेचा जा चुका है, उनको समझ में आ गया कि इतने सारे इमोशनल यहाँ पे आ चुके हैं जो रिटेलर्स यहाँ पे रहते हैं, कि लगातार संख्या बढ़ती है ना,
आप जब सर्किट में बाय करने के लिए जाते हो, ऐसा समझ दिखने को मिल जाता है कि 100 लोग लाइन में है, फिर नंबर बढ़ जाते हैं 1100 लोग लाइन में है, 11000 लाइन में है। जैसे ऑपरेटर को पता चलता है कि 15000 हमें बकरे चाहिए, जैसे ये संख्या 15-16000 पे जाती है, हो गया, दैट्स इट, सेल का ट्रिगर दबा देते हैं और सभी लोगों को वो शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो आज के दिन BCG में बहुत सारे लोग ट्रैप यहाँ पे हो चुके होंगे। देन फाइन ऑर्गेनिक, जबरदस्त फाइन कंपनी है ये, आप सभी लोगों को पता ही है। इसमें भी हम लोगों ने जबरदस्त यहाँ पे पैसा छापा था, क्योंकि आप देख सकते एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, फिर जैसे आपको बताया था कि आज नहीं तो कल ये जबरदस्त क्रैश करेगा, उसके बाद आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री करने का विचार कर सकते हो। राइट, कंपनी फैंटास्टिक होनी चाहिए दोस्तों, बाकी 100-200 रुपए ऊपर नीचे कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। एंड फाइन ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देगी। देन ट्राइडेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्राइडेंट ने भी आज के दिन 5% के आसपास, आज थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा खासा देखने को मिला, तो इसके चलते छोटे मोटे कंपनीज भी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले।